हम सभी क्या हैं? आत्मा। आत्मा एक लिविंग एनर्जी है। हम सभी आत्माओं के दो शरीर हैं, एक तो है स्थूल शरीर जिसे फिजिकल बॉडी कहते हैं या भौतिक शरीर कहते हैं, एक है सूक्ष्म शरीर जिसे एस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी, फरिश्ता स्वरूप, एंजेलिक बॉडी, लाइट का शरीर, प्रकाशमय शरीर, अंतवाहक शरीर। जैसे हमारा स्थूल शरीर जिसे फिजिकल बॉडी कहते हैं वो पांच तत्वों का बना है, कौन से? अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। सेम उसी तरह हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ये तीन सूक्ष्म शक्तियों से बना है, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियाँ क्या हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। यही तीन सूक्ष्म शक्तियों से हमारा प्रकाश का शरीर बना है। हमारा जो मन है वो फिजिकल तो नहीं है ना, वो नॉन फिजिकल है। हमारी जो बुद्धि है हमें दिखती तो नहीं है, वो भी नॉन फिजिकल है, इसलिए उसे सूक्ष्म कहा गया है, सूक्ष्म शक्ति हमारी आत्मा की। सेम उसी तरह हमारा जो लाइट का शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं वो दिखता नहीं है, मगर उसका हम अनुभव कर सकते हैं। हम अपने सूक्ष्म शरीर से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर को हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हम कई बार स्वप्न में भी सूक्ष्म शरीर से ट्रैवल करते हैं, हम कई बार स्वप्न में सूक्ष्म शरीर का अनुभव करते हैं, और जागृत अवस्था में हम ध्यान द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को कहीं भी ले जा सकते हैं। जब भी हम मनसा सेवा करते हैं या कह लीजिए कि सकाश सेवा करते हैं, पूरे विश्व में गुड वाइब्रेशन फैलाने का काम करते हैं, उस समय भी हम अपने आप को फरिश्ता समझ करके विश्व ग्लोब के ऊपर विजुअलाइज करते हैं, और सामने परमपिता परमात्मा उनको विजुअलाइज करते हैं जो निराकार ज्योति स्वरूप है। परमात्मा से शक्तिशाली किरणें हमारे फरिश्ता स्वरूप पर पड़ रही हैं, और हमारे फरिश्ता स्वरूप से पूरे विश्व ग्लोब पर पड़ रही हैं। ऐसा एक विजन बनाते हैं। फरिश्ता माना क्या? फरिश्ता माना एंजल, फरिश्ता माना जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, फरिश्ता माना मैसेंजर ऑफ गॉड, फरिश्ता लाइट का शरीर होता है। फरिश्ते स्वरूप से हम पूरे विश्व में किसी भी आत्मा तक परमात्मा का मैसेज पहुंचा सकते हैं, किसी भी आत्मा को हम हीलिंग वाइब्रेशंस भेज सकते हैं। दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? फरिश्तों को ढूंढ रहे हैं। एक है फरिश्तों को ढूंढना, एक है खुद फरिश्ता बनना। क्या अच्छा है? इस दुनिया की सबसे पावरफुल ब्लेसिंग है, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। फरिश्ता माना जो सारा दिन लाइट रहेगा। फरिश्ते उड़ते हैं, ज़मीन पर नहीं चलते, इसलिए फरिश्तों को पंख दिखाते हैं, एंजल्स। पंख, पंख माना जो लाइट रहता है। तो आज से हर कर्म करते हुए हमें लाइट रहना है। रह सकते हैं ना, क्यों नहीं रह सकते? हमें सुबह उठते ही संकल्प कर देना है कि मैं फरिश्ता हूँ, तो फिर आपका जो काम है वो फरिश्ता करेगा। यानी कि जब आप अपने आप को फरिश्ता समझ कर वो काम करेंगे तब आप लाइट रहेंगे, क्योंकि संकल्प से सृष्टि है। इसलिए बहुत ध्यान से बोलना है कि मैं कौन हूँ, आई एम क्या, ठीक है? आई एम एंजल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल। संकल्प से सृष्टि, संकल्प कर्म भाग्य है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो भाग्य बनाती है। लोअर वाइब्रेशन का सोचेंगे तो भाग्य भी कैसा बनेगा? लोअर। हायर वाइब्रेशन पर रहेंगे तो भाग्य भी कैसा बनेगा? हायर। शुरू शुरू में सिर्फ बोलना पड़ता है, और धीरे धीरे जो बोलेंगे वह बन जाएंगे। जब हम बोलते गए कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अब आज से हम बोलेंगे कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, वैसा ही आपकी लाइफ बन जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से बोलना कि मैं क्या हूँ। तो मन के जो चार एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं? थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड एंड मेमोरी। जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, और जैसी वृत्ति वैसी भावना, और जैसी भावना वैसे संकल्प। तो बुद्धि और मन क्या है? हमारा सूक्ष्म शरीर। और संस्कार क्या है? हमारी स्मृतियाँ। ये सारा खेल क्या है? मर्च और इमर्च का। जितना हम परमात्मा को याद करते जाते हैं उतना हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो और चमकदार और लाइट होता जाता है, और जितना भी वेस्ट है वो मर्ज हो जाता है, और आने वाले समय की जो स्मृतियां हैं जागृत हो जाती हैं। जब हमारा विवेक ईश्वर जैसा बन गया, बुद्धि डिवाइन बन गई, चित्त शांत, एकाग्र और आनंदमय बन गया,
स्मृति में हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप देवता स्वरूप आ गया, वृत्ति रूहानी हो गई, हमारे अंदर सर्व के लिए शुभ भावना शुभ कामना आ गई। इससे श्रेष्ठ शुद्ध वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैल गए। उससे हमारे संकल्प शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली और कल्याणकारी हो गए। तो ये है लाइट की बॉडी। पॉजिटिविटी और पॉजिटिव स्मृतियां माना लाइट की बॉडी, एंजेलिक बॉडी। हमारी बुद्धि में लाइट है ना, ज्ञान की, शांति की, शक्ति की, रूहानी लाइट, प्रेम की लाइट, आनंद की लाइट।